नमस्कार, आप देख रहे हैं केएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ कृष्ण मुरारी प्रजापति। मथुरा में एक सिपाही को गोली लगने का मामला प्रकाश में आया है। करेंगे इस खबर के बारे में पूरी बातें, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना जिससे आने वाली सभी वीडियो पहुंचे आपके पास सबसे पहले। आपको बता दें, ट्रांसपोर्टर पुष्पेंद्र यादव को कार सहित जलाकर मारने के मामले में उसका जो मुख्य आरोपी था उससे पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक सिपाही को गोली लगी है। सिपाही को गोली लगने के बाद पुलिस ने उस अपराधी को भी पकड़ लिया है। काफी समय यह मुठभेड़ चली। उस मुठभेड़ में जो आरोपी है उस आरोपी के भी पैर में गोली लगी है। उसके बाद आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल को जो है जिला अस्पताल में जो है भर्ती करा दिया गया है। आपको बताएंगे पूरा मामला। मथुरा के थाना फरह क्षेत्र के नगला चंद्रभान इलाके में ट्रांसपोर्टर पुष्पेंद्र यादव को कार सहित जलाकर मारने के मामले में पुलिस ने शनिवार देर रात मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर अवधेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पैर में गोली लगी है। वहीं अवधेश की गोली से फरह थाने का सिपाही दीपक घायल हो गया है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्राइम नंबर 59/24 पंजीकृत हुआ, जिसमें कार में एक डेड बॉडी मिली थी जली हुई और कार भी जला हुआ था। उसमें अभी आपको पता है कि हमने घटना को खुलासा करते हुए दो लोगों को जेल भेजा था। उसमें वांटेड था ये अवधेश। उसकी मुखबिर से सूचनाएं मिली थी कि आज वो अक्षनारा से इधर परखम साइड में जा रहा था, तो ये परखम रोड पर चेकिंग लगाई गई थी। तो जैसे उसने पुलिस को देखा तो वापस यू टर्न लेने का प्रयास किया। पुलिस टीम उसको पीछा की तो उसने जाते समय पुलिस पर फायर किया, जिससे एक हमारा सिपाही घायल हो गया है। फिर जवाबी कार्रवाई में जो अवधेश है उसको गोली लगी है। अवधेश को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। बाकी उससे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। थैंक यू।